आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की होटल मैरियट कोर्टयार्ड में शुक्रवार से 2 दिवसीय नेशनल एनुअल कन्वेंशन शुरू हो गई है। इस कन्वेंशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट जी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की होटल मैरियट कोर्टयार्ड में शुक्रवार को 2 दिवसीय नेशनल एनुअल कन्वेंशन शुरू हो गई। इस कन्वेंशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के वोकेशनल एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट जे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। कन्वेंशन में देश के लघु उद्योगों में आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया। हमारा प्रत्येक वर्ष एनुअल कन्वेंशन होता है और नॉर्मली हम लोग जुलाई के महीने में करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग जुलाई 2020 में नहीं कर पाए थे, तो हम लोग ने अभी फरवरी 5 और 6 फरवरी 2021 को आगरा में निश्चित किया था। और आज हमारा पहले सत्र में हम लोग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होती है, जिसमें कि हमारे जितने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर्स होते हैं थ्रू आउट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, वहाँ से इकट्ठा होते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे इंडस्ट्री की क्या स्थिति है आज की तारीख में और किस परिस्थिति से गुजर रही है और आगे इसको किस तरीके से हम लोग बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर परिचर्चा हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के बीच में की जाती है। इस 2 दिवसीय नेशनल कन्वेंशन में पूरे देश से लघु उद्यमियों ने भाग लिया। IIA यूपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सुखरानी ने बताया कि हम राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को MSME सेंटर्स के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं, इनका एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं यूपी के विभिन्न शहरों में एक्सपोर्ट पार्क की मांग यहां से की जाएगी। यहां हमारे जो एसोसिएशन है विभिन्न विभागों से डील करता है, तो उसी के ऊपर चर्चा होती है कि इंडस्ट्री को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं और गवर्नमेंट को देश को आगे ले जाने में कैसे मदद करें। ये हमारा मेन विषय होता है कि देश को आगे बढ़ाना है और MSME के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन देश की आगे ले जाने में देना है। कार्यक्रम में IIA आगरा के पदाधिकारियों ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने IIA पोर्टल मार्ट को लॉन्च किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।